So guys, welcome back to my channel. My name is Jarad and you're watching Jarad Gom. So today I have come to Royal Enfield Shah Distributors to review this bike. Now this is the all new 2023 BS6 Phase 2 Royal Enfield Hunter 350. और ये जो variant आप देख रहे हो, this is the Metro Dapper. Before talking about the bike, guys, मैं एक बार चाबी आपको दिखा देना चाहता हूँ. So Royal Enfield का classic key आपको यहाँ पर मिलता है. So दोनों key आपका same है, as you can see. सभी key थोड़े ignition में देते हैं यहाँ पर. सो यहाँ पर एज यू कैन सी मैंने गाड़ी को इग्निशन दे दिया, मतलब बाइक को. यहाँ पर आपको कोई DRL नहीं मिलता है, आपको सिर्फ यहाँ पर ये पार्किंग बल्ब मिलता है और आपका जो हेडलाइट्स है दिस इज इन हैलोजन फिनिश एंड यहाँ पर आपको क्लियर लेंस हेडलैम्प्स मिल जाता है. सो ये आप LED में भी अपग्रेड कर सकते हो गाइज, दैट इज योर चॉइस. सो बिफोर टॉकिंग अबाउट द बाइक गाइज, इस बाइक में बहुत कुछ एक्सेसरीज फिटेड हुआ है. सो क्या क्या फिटेड हुआ है मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ. सो फर्स्ट जो एक्सेसरी है वो है यहाँ पर, एज यू कैन सी LED टर्न इंडिकेटर्स इंस्टॉल हुआ है. मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर. सो एज यू कैन सी दीज आर इन LEDs ओवर हियर, नॉर्मली हैलोजन में मिलता है. अभी जो और भी जो एक्सेसरी फिट हुआ है वो है यहाँ पर इंजन गार्ड, फिर आपका जो सीट्स है ये भी एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है, ये भी एज एन एक्सेसरी है. सो दीज आर दी एक्सेसरी दैट हैज बीन फिटेड ऑन द बाइक. और एक जो चीज़ है ये भी आपका एज एन एक्सेसरी फिटेड हुआ है, नॉर्मली यहाँ पर आपका जो लुकिंग ग्लास है वो मिलता है. सो टॉकिंग अबाउट द फ्रंट ऑफ द हंटर 350 गाइस, ये न्यूली लॉन्च्ड है एंड इट लुक्स रियली रियली गुड. एक स्पोर्टी सा लुक देता है, स्पोर्टी एंड रेट्रो लुक देता है ये बाइक. सो टॉकिंग अबाउट द व्हील्स ओवर हियर गाइस, सामने आपको एलॉय फिनिश मिलता है ऑन दिस वेरिएंट एंड यहाँ पर इसका जो प्रोफाइल है दैट इज 117, सो 17 इंच का एलॉय साइज है. ये आपका 100 सेक्शन का आपको टायर मिलता है. यहाँ पर आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है एट द फ्रंट एंड इंडिकेटर तो मैंने आपको दिखा दिया. ये जो है, ये जो वाइजर है दिस इज ऑल्सो इंस्टॉल्ड एज एन एक्सेसरी. सो कमिंग टू द साइड ऑफ द बाइक गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो ये डैपर वेरियंट है. सो यहाँ पर आपको ये स्ट्राइप्स मिल जाता है एंड दिस इज इन क्लियर कोट. सो एज यू कैन सी आपका फुल ये शाइनी फिनिश में है. यहाँ पर आपको 13 लीटर्स का फुल फ्यूल टैंक मिल जाता है. ना कमिंग टू द साइड ऑफ द बाइक, अगर हम लोग साइड में देखेंगे देन यहाँ पर आपको 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है. यहाँ पर आपका हंटर 350 का लोगो है. यहाँ पर आपका गाड़ी का जो एयर फिल्टर ये सब यहाँ पर रहता है. पीछे आपको यहाँ पर रबड़ में आपको फुट पेक्स मिल जाता है ओवर हियर फॉर द पिलियन एंड फॉर द राइडर ओवर हियर. पीछे आपका जो चेन्स पॉकेट है दिस इज ऑल्सो ओपन, यहाँ पर ये कवर्ड नहीं है. एंड पीछे भी आप यहाँ पर देख सकते हो आपको शॉक एब्जॉर्बर टाइप सस्पेंशन मिल जाता है एट द बैक. कमिंग टू द रियर पार्ट ऑफ द बाइक गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो पीछे से कुछ ऐसा दिखता है द रॉयल एनफील्ड हंटर. यहाँ पर आपका जो ब्रेक लाइट है और जो पार्किंग लाइट है दैट इज इन LED एंड यहाँ पर आपका जो नंबर प्लेट लाइट है दिस इज ऑल्सो इन LED. पीछे का टायर्स के बारे में अगर बात करूँ गाइज, पीछे आपको 17 इंच का टायर आपको मिल जाता है एट द बैक एंड पीछे आपको यहाँ पर डिस्क ब्रेक मिल जाता है एज यू कैन सी. सो यहाँ पर दोनों तरफ सामने और पीछे आपको डिस्क ब्रेक मिल जाता है. सामने आपको 300 mm का डिस्क मिलता है एंड पीछे आपको 270 mm का डिस्क मिलता है एंड दिस इज विथ डुअल चैनल ABS. यहाँ पर आपको सिंगल एग्जॉस्ट मिलता है एज यू कैन सी. एग्जॉस्ट का आवाज़ मैं सुना दूंगा आपको. यहाँ पर भी आप देख सकते हो आपका ब्रेक पेडल यहाँ पर आपको मिलेगा. सो लेट मी नो आपको हंटर 350 साइड से कैसा लगता है. मुझे तो बहुत ही पसंद है, न्यूली लॉन्च्ड है फ्रॉम रॉयल एनफील्ड एंड इसका लुक भी मुझे अच्छा लगता है. यहाँ पर आपको रॉयल एनफील्ड का बैजिंग मिल जाता है ओवर हियर. सो यहाँ पर हैंडल्स के बारे में अगर बात करूँ गाइस, हैंडल्स आप देख सकते हो क्वालिटी इज रियली गुड. आपको यहाँ पर रबराइज फिनिश मिल जाता है एंड इसका जो ब्रेक है, ब्रेक का जो फील है वो भी अच्छा ही है. यहाँ पर आपको ब्रेक फ्लूइड का यहाँ पर चेंबर मिल जाता है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो क्लच जो है, क्लच इज वेरी वेरी स्मूथ गाइस. सो आपका डे टू डे ट्रैवल में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. टॉकिंग अबाउट द बटन्स ओवर हियर गाइस, यहाँ पर आपको इंजन किल स्विच और इग्निशन का स्विच मिलता है ओवर हियर. यहाँ पर आपका हैजर्ड लाइट का स्विच है एज यू कैन सी और यहाँ पर आप देख सकते हो आपका हाई बीम लो बीम और यहाँ पर पास लाइट का आपको यहाँ पर बटन मिल जाएगा. यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर एक छोटा सा आपको बटन मिलता है टू चेंज द इन्फॉर्मेशन ओवर हियर ऑन दी MID. सो यहाँ पर आप देख सकते हो ये आपका फ्यूल लेवल है, यहाँ पर आपका गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर, ये आपका ट्रिप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखाता है. सो ये आप यहाँ से चेंज कर सकते हो. सो एज यू कैन सी ट्रिप ए ओडो रीडिंग है, देन ट्रिप ए, ट्रिप बी, ट्रिप एफ और यहाँ पर आपको ओडो रीडिंग मिल जाता है. 160 तक इसका स्पीड लिमिट है, मतलब स्पीडोमीटर में. यहाँ पर आपको गाड़ी का सब वार्निंग लाइट्स दिखा देता है. सो दिस इज अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ओवर हियर. अभी भी आई डोंट नो व्हाई रॉयल एनफील्ड डजंट प्रोवाइड अ टैकोमीटर, टैकोमीटर देना चाहिए गाइस. एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपका सब इग्निशन ये सब का आपको यहाँ पर नॉब मिल जाता है. अभी बाइक का थोड़ा एग्जॉस्ट का आवाज़ सुन लेते हैं गाइस. सो यहाँ से आप ऑन कर सकते हो इसको. सो दिस इज एट न्यूट्रल गाइस, इसका थोड़ा रेव देते हैं अभी. सो दिस इज द एग्जॉस्ट नोट ऑन दी हंटर 350. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको एग्जॉस्ट नोट कैसा लगा. अनदर गुड थिंग आई लाइक अबाउट द हंटर 350 कि यहाँ पर आपको बहुत सारा ग्लॉस ब्लैक एलिमेंट आपको मिल जाता है. एंड टॉकिंग अबाउट द इंजन गाइस, आपको
349cc का एयर कूल्ड एंड लिक्विड कूल्ड इंजन मिलता है विद अ पावर ऑफ 20.2 bhp एंड 27 न्यूटन मीटर टॉर्क आपको इस बाइक पे मिल जाएगा। सो ओवरऑल आपका जो नॉर्मल सिटी राइड्स है उसके लिए एकदम सही है, कोई भी आपको उसमें दिक्कत नहीं होगा। सो गाइज, दिस इज माई वॉक अराउंड रिव्यू ऑफ द 2023 BS6 फेज 2 रॉयल एनफील्ड हंटर 350। सो अगर आपको ये वॉक अराउंड रिव्यू अच्छा लगा मेरा, देन डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस फर्दर इन द फ्यूचर। सो दैट इज मी साइनिंग अप फॉर टुडे गाइज, आई विल डेफिनेटली सी इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन, चाओ।